हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ एक बेहतरीन स्क्रब हाथों के लिए, जो आपके हाथों को गोरा बनाएगा और डेड स्किन भी रिमूव करेगा। सो मैंने अभी तक स्क्रब रेडी नहीं किया है, आप लोगों को दिखाने के लिए ही रखा है, तो मैं आपके सामने ही स्क्रब बनाने वाली हूँ। मेरे पास पहले है राइस फ्लोर और ए टमाटर का रस है, टोमेटो जूस, और मेरे पास और भी है, शुगर है, अगर आप शुगर पीसी हुई ले तो अच्छा रहेगा, और हनी है, ये देख सकते हो। तो हमें इन सबको मिलाकर एक स्क्रब रेडी करना है, तो मैं पहले वो कर लेती हूँ। सो मैंने राइस फ्लोर ले लिया है, इसमें डालेंगे टमाटर का रस। अभी इसको ब्रश वगैरह से हमें मिक्स नहीं करना है, बस हमें हाथों से करना है, इसलिए मैंने चम्मच नहीं लिया है। ओ सॉरी गाइस, मैं भूल गई थी, शुगर के साथ हल्दी भी है। सो इसमें है हल्दी और शुगर, ये देखो, तो भी ये भी हमें इसमें मिक्स कर देना है। और अब इसमें हम डालेंगे हनी, जैसे बाहर के लोग बोलते हैं ना हनी, ऐसे हनी डालेंगे हम। और हाथों पर ही हमें स्क्रब करना है, तो अब मैं इसे पहले मिक्स कर लेती हूँ। और स्क्रब करने से पहले सो हमें इसे स्क्रब कर लेना है ऐसे। अगर आपको लगे कि सूखने लगा है तो आप रोज़ वाटर ले सकते हैं या पानी भी ले सकते हैं। इसे स्क्रब इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इसमें राइस फ्लोर होता है, तो वो स्क्रब जैसा काम करता है, तो इसलिए हम इसे स्क्रब कह सकते हैं। और शुगर पाउडर भी होता है, तो वो हमारी स्किन को ऐसे नरम और स्मूथ बनाता है। हमें ये प्रोसेसिंग 5 से 10 मिनट तक करनी है, तो हम कर लेते हैं। और यहाँ भूलना नहीं, क्योंकि ये देखो ऐसी चीज़ों पर लगा हुआ होता है, बहुत ही डेड स्किन लगी हुई होती है, तो हमें यहाँ पर भी बहुत ही रगड़ के स्क्रब करना है। सो हाय एवरीवन, ये देखो मेरा हाथ अभी गीला है, मैं इसे वॉश करके आई हूँ, तो अभी आप देख सकते हो ये एकदम वाइट दिख रहा है, जैसे कि मेरी स्किन फेयर है। और ये देखो येलो टाइप हो गया है, क्योंकि इसमें हल्दी रहती है, तो इस वजह से वो हमारी स्किन को येलो बना देता है। लेकिन अब आप रिज़ल्ट देखना, इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। आप हफ्ते में 1-2-3 बार कर सकते हो, या फिर 2 दिन में 1 बार भी कर सकते हो, जब आपको टाइम मिले आप कर सकते हो ये प्रोसेसिंग। और हाथ को हमें मॉइस्चराइज कर लेना है। वैसे मैं वैसेलिन का बॉडी लोशन यूज़ करती हूँ, सो अभी मैं वही लगा दूँगी, तो आप रिज़ल्ट देखो गाइस, देख सकते हो। सो है गर्ल्स, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो अब मैं लेती हूँ इजाज़त, और एक और बार कह रही हूँ कि आप अगर ये स्क्रब बनाओ तो इसमें शुगर पाउडर डालना, पूरी शुगर नहीं, तो वो उसे घुलने में बहुत टाइम लगेगा, और अगर पाउडर होगा तो तुरंत इसमें मर्च हो जाएगा। सो अब मिलती हूँ एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय बाय।